ओम नमः शिवतेभ्यः, ओम नमः शिवतेभ्यः, ओम नमः शिवतेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज का थोड़ा सा विषय विषयांतर तो नहीं हुआ, लेकिन अपने जीवन का लक्ष्य ही वह है। फिर भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले और सब व्यक्तियों में गुणों का प्रादुर्भाव हो, गुणों का समावेश हो, बुराइयां दूर हों, इसके लिए राष्ट्रीय सरकारी अधिकारी लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। और उसमें भी एक प्रकार से परिवार में, जब परिवार आप लोगों का होता है, उसमें संतान है, और संतान है तो निश्चित रूप से कोई न कोई प्रतिभा संपन्न वाला होगा, कोई कम संपन्न वाला होगा, कुछ कमाऊ होंगे और कुछ गमाऊ होंगे और कुछ मात्र खाऊ होंगे, भिन्न भिन्न होते ही। और सारे सारे कमाने वाले हो जाएंगे तो फिर खाने वाले कौन, ये भी बात है। लेकिन केवल खाने वाले ही हो जाएंगे, कमाने वाले कौन। और इस समय इन सब समस्याओं के हल कैसे हो, तो कोई ना कुछ इस प्रकार वारदात कर जाते हैं बच्चे या बूढ़े भी, या किसी ने निमित्त लेकर के हो जाता है, तो उनको भी सही दिशा मिले, इस प्रकार विशेष रूप से प्रतिभाओं को नियुक्त सरकार करती है। और वे रात दिन बिगड़े हुए व्यक्तियों को क्यों बिगड़े, इसको खोज करके उनके भीतर तक पहुंच करके और उनको सही दिशा में पूर्व के जो थे उससे भी और अलग रूप से सोच करके वातावरण बना करके उनको प्रशिक्षित करते हैं और उन्हें मूल धारा में। ये बात अलग है, आप लोगों की कौन सी धारा है क्या पता, लेकिन उस वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। और लगता है ये बिल्कुल ही समाज से हटे हुए हैं, लगता है वहां पर कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, वहां पर केवल बुराई बुराइयां हैं ऐसे, लेकिन फिर भी काम धंधा सिखाते रहते हैं। प्राय करके हमारे प्रवचन वगैरह भी ये लोग रखा करते हैं, तो उस समय जाने का अवसर प्राप्त हुआ। सागर जेल में भी गए थे हम, डिंडोरी जेल में भी गए थे हम, और उधर जयपुर वगैरह उन स्थानों में भी, अजमेर में भी, ऐसे 2500 निर्वाण महोत्सव के समय पर। तो फिर हमने कहा भैया सारे सारे ऐसे थोड़े ही हैं, थोड़े ऐसे भी हो सकते हैं जो गुनाह नहीं करते हुए भी उनके ऊपर आरोप आ गया हो, ऐसे कुछ देख करके। हमारे महावीर भगवान के जो महोत्सव हो रहा उसमें उनको भी स्थान दिया जाए, तो उससे जो कुछ कम जो अपराध करने वाले हैं आए थे, 50 से भी ज्यादा ले आए थे, उनका आप लोग भिन्न भिन्न वस्त्र पहन करके आ जाते हैं,
उनका तो उस समय वही वस्त्र था जो गांधी जी का था। आदर्शता सफेद ड्रेस पहन करके आते थे, वो काले कोट में कभी नहीं आए आज तक। इतना अवश्य है तो वह सफेद के रूप में रहते हैं, उनको उसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये आप लोगों के नए नए काम उनके जीवन में आ जाए और उसके माध्यम से वे तो इस दिशा में प्रयत्नशील ये अधिकारी वर्ग यहाँ पर आप लोगों के पास भी आए हैं। 3-4 साल से इस दिशा में ये कार्य करने से काफ़ी सफलता मिल रही है और आशा नहीं विश्वास रखते हैं कि वे लोग आगे भी इस दिशा में विशेष प्रयत्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र के सामने समस्या ये है, एक ऐसी धारणा बनी हुई है, ये धारणा पश्चिमी हवा का ये परिणाम है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, पढ़ा लिखा होता है, वो नौकरी की तलाश में ही रहता है। जबकि मैं छोटा था, शिक्षण प्राप्त कर रहा था उस समय कि बहुत शिक्षण कम था, किंतु सब लोग अपने अपने परंपरा से जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अनुसार काम करते थे। मैं एक दिन पूछा एक किसी सज्जन के आप ऐसी चर्चा के दौरान कि हम भी नौकरी करें तो क्या होगा। नौकरी 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 करने के लिए तो पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ लेंगे तो मिलेगा आदि आदि, क्योंकि एक आध व्यक्ति उस समय नौकरी करने वाला मिलता था, एक आध व्यक्ति। मिलिट्री में और पुलिस में भर्ती होने वाले तो कोई थे ही नहीं। हाँ, ऐसा होता था। जब ये ज्ञात हुआ कि नहीं, जो जहाँ पर व्यवस्थित हैं वो वही काम करेंगे, बहुत आवश्यक हो जाए तो देख लेंगे। प्रशासन में जबलपुर इत्यादि में जब हम आए थे उस समय में भी गवर्नमेंट सरकार ने बहुत कुछ प्रयास करके 15 करोड़ रुपए व्यय किया गया। किसी भी प्रकार से निकले तो वह अखबार में आया था, सरकार की तरफ से 15 करोड़ का व्यय करने के उपरांत भी एक भी कलेक्टर, एक भी डिप्टी कलेक्टर, एक भी और कोई प्रशासन में काम करने वाले न ही प्रांतीय और न ही केंद्रीय निकल पाए। ऐसे सुन करके हमने सोची 15 करोड़ तो बहुत होता है। हाँ, उस जमाने में आज वह 25-30 वर्ष पूर्व की बात है। समाज के सामने हमने रकम जो पंच कल्याण जो होगा उसमें जो कोई भी बचत राशि रहेगी, विशेष रूप से शोर संस्थान के नाम से खोला जाए और उसके फलस्वरूप आज कम से कम भी 250-250 से भी ज्यादा इस दिशा में बच्चियां भी निकली हैं और बच्चे भी निकले हैं और अच्छे इन अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि PSC जैसे परीक्षा दे करके वे जज भी बनने जा रहे हैं और अच्छी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार हम जैसे लता है, जैसे वृक्ष मिलता है उसी के अनुसार वह फैलती चली जाती है, उसी प्रकार यह उदीयमान जो प्रतिभा रहती है उनका भी जिसका सहारा मिलता वही हो जाता। तो नौकरी करने वाले तो कोई था ही नहीं। यहाँ तक हमने सुना था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापारी और कनिष्ठ नौकरी, नौकरी करना एक प्रकार से गलत नहीं है, वो एक सेवा है। तो यहाँ जेल सेवा और ये प्रशासन की सेवा और न्यायालय की जो सेवाएं हैं ये सेवा
और ये वैद्य की चिकित्सा इत्यादि की ये नौकरी नहीं है, किंतु मूल में इनको सेवा का एक शब्द दिया है। तो यहाँ सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, तो ये सुन करके ऐसे लगा कि लोक सेवा क्या वस्तु होती है, कैसे होती है। तो इसमें केवल वही अच्छाइयाँ, वही निर्माण की विधियाँ प्रशिक्षित की जाती है, जिसके द्वारा वे अपने जीवन में स्वयं तो आप अपने पैरों पर आप खड़े रहते हैं, दस को लड़खड़ाने वालों को खड़े कर सकते हैं। यदि आपके पैर यदि लड़खड़ा रहे हैं तो आप भी गिर जाएंगे और आपके लिए सहारा लेने वाला आ गया वो भी धड़ाम से गिर जाएगा। इस कार्य को हमें बहुत ही अपना कर्तव्य समझ करके चलना चाहिए। कर्तव्य का अर्थ एक प्रकार से करने योग्य कार्य हम करें, इसी का नाम धर्म है। धर्म का अर्थ हम पोथी में निकालना करके और मंदिर मस्जिद इत्यादि में ढूंढते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, वहां पर उसके प्रतीक मिल सकते हैं। बिंबात्मक जो है कोई भी कार्य देखते हैं तो उसमें अपने जीवन में भी वह बिंब उतर सकता है, वह गुण हमारे भीतर आ सकते हैं। तो दक्षिण में जब तक उस समय एक उक्ति पड़ी थी, तानु माड़ी तो उत्तमा, मग माड़ी तो मध्यमा, आड़ माड़ो तो हेड़ू हाड़ू अन्युम हेड़ लेना। ये तीन वाक्य हमने पढ़े थे, वैसे तो बहुत पढ़े थे लेकिन याद, प्रासंगिक याद आ गया, स्मरण में आ गया। जो आप स्वयं करते हैं वह उत्तम श्रेष्ठ होता है, दूसरे की ओर न जाओ। और यदि अपने पुत्र से करवाते हैं तो वह उत्तम नहीं होगा, वह मध्यम क्वालिटी का होगा, मध्यम स्तर रहेगा उसका। और यदि कर्मचारियों से आप वह काम कराते हैं तो वह बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। आप भारत के, भारत को यदि उन्नत बनाना चाह रहे हैं, स्वयं आप काम करिए, अपना काम कर्तव्य करिए। ये बात अलग है, कर्तव्य करने योग्य कार्य करेंगे इसी का नाम है, लेकिन आपकी गति, आपकी परंपरा, आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता आदि आदि देख करके वह कार्य आज भी ये चल रहा है। लेकिन तो आज यह प्रत्येक विद्यार्थी के शिक्षण प्रणाली में आ चुका है। हरेक विद्यार्थी, मैं नौकरी करूंगा और वो इंजीनियरिंग बनूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये, किंतु उनके लिए कर्तव्य करना ये नहीं सिखाया जा रहा। कर्तव्य का जीवनोपयोगी कार्य करना है, और जीवन में जो बिगाड़ हुए हैं उनको दूर करने के लिए, और जो व्यक्ति विकलांग रह रहा है प्रतिभा की अपेक्षा से, हाथ पैर की अपेक्षा से, और धन इत्यादि की अपेक्षा से, गरीबी की अपेक्षा से, तो उनको भी हम अपने कार्य करते हुए उसके योग्य भी उसको कुछ दे दे सहारा, इसका नाम कर्तव्य कहलाता है। ये यदि जीवन में है और वो कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ उसको, क्योंकि माता पिताओं के छाव में रह करके, उनकी सीमा में रह करके जो व्यक्ति तैयार होता है वह एक विश्वविद्यालय से मैं कम नहीं मानता हूं, बल्कि विश्वविद्यालय जो है आज नौकरी के ढूंढते हुए चल रहे हैं। एक मिसाल, ये बिल्कुल गलत आपको लगेगा लेकिन यह गलत को भी ठीक करने के लिए यह गलत सुनना भी आवश्यक है। गलत गलत नहीं सुना रहा हूं लेकिन है, यह वस्तु स्थिति है। ये हुआ जिसमें शामिल है आवेदन में बीटेक, एमटेक और ये अपने वो क्या बोलते हैं, नहीं प्रबंधन में एमबीए, प्रबंधन, प्रबंधन जिसको बोलते हैं वो है, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है स्नातक हैं और स्नातकोत्तर हैं, और इसके उपरांत
अनुसंधान करने वाले भी हैं, जिसको पीएचडी बोलते हैं, प्रबंध लिखने वाले हैं, ये सारे सारे उस एक आवेदन में शामिल है, समाविष्ट हो गए। अखबार में निकला 6,000-8,000 रुपए वेतन के लिए, चपरासी के लिए भी आवेदन दिया। ताली बजाओ अपने बच्चों के लिए। अब बोलो, ऐसे दो तीन बार हमने पढ़ा और अच्छे व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मुख से सुना, इसी का नाम यदि पढ़ा लिखा है, हमें नहीं चाहिए ये बीमारी। ये बीमारी पुत्र तक, पुत्र तक, सब दादाजी बाबा जी सब सब इसी में आ जाएंगे शामिल में। इससे भारत का कभी भी विकास नहीं होने वाला है, मतलब विनाश निश्चित है। इसलिए आप लोग अपने क्या पढ़ा रहे हैं, किस दिशा में भेज रहे हो, इसका कर्तव्य आपका, आपके पास है। ये वो आप यदि इसके बारे में नहीं करेंगे, कमा कमा करके देंगे, ये नाश के लिए कारण होगा, विकास का नहीं होगा। जान रखो, बुरा लगेगा, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं समझे कर्तव्य, ये भी मेरा कर्तव्य है। आपने माइक हमारे सामने रखा ताकि सब लोग सुन सके, तो हम भी जोर से बोल सके, तो हम बोल, लाउड का अर्थ यही है, लाउड मैंने विकसित ध्वनि है। मुझे ज्यादा जोर से नहीं लगाना पड़ता, ये भी ध्यान रखना। कई लोग माइक पे आकर के चिल्लाते हैं, उनको मालूम ही नहीं माइक का क्या अर्थ होता है। बहुत जोर से बोलते, बहुत जोर से बोलने की क्या आवश्यकता है, इसमें जोर अपने आप ही आ जाता है। आप अपने कान को अच्छे ढंग से खड़े कर दीजिए, सुनने में आएगा। सुनने में आ रहा है, थोड़ा सा कम कर लूं, करके तो देख लेते। तो वो बात है, आप सुन रहे हैं क्या नहीं, ऐसे वह परीक्षित हो जाता है। आ रही है आवाज अपनी, फिर जो इतने लाउड करने की क्या आवश्यकता थी, ये ब्रह्मचारी तो बहुत ही चिल्लाते। इसी प्रकार आप लोगों को अपने बच्चों के लिए चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चिल्ला इसलिए रहे हैं, चिल्ला रहे हैं आप। एक संकेत में बच्चा आपका काम कर सकता है, ऐसे प्रशिक्षण दो तो नहीं, ये न ही रसोई बना सकते हैं, न और कोई काम, घर का काम ये नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उपाधि तो आधा घंटे तक पढ़ती जाओ, पूर्ण नहीं हो रहे हैं उपाधि। बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा के बाद क्या होता है मुझे बताओ, नौकरी करना है। अब नौकरी करेंगे तो क्या होता है उसको मालूम पड़ेगा एक वर्ष में ही। जब नौकरी की जो कंपनियां भिन्न भिन्न देश में भेजेंगे, तो वह कहां सुबह जापान में है और शाम को जर्मन में है, फिर बाद में दूसरे दिन अमेरिका में है, इस प्रकार वह करके उसके जितने भी सत्व है निचोड़ करके रख देंगे। समय पर न भोजन कर पा रहा है, समय पर न अपने व्यक्तियों से मिल पा रहा है, समय पर न ही आराम कर पा रहा है, समय पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, केवल वह रुग्ण काया को लेकर के रह रहा है एयर कंडीशन में। अब विदेशों में एयर ऐसे ही मिलती है, क्योंकि कंडीशन है उसमें, हवा और कंडीशन ये दो चीजें हैं। पढ़ा लिखा होता है वह एयर कंडीशन में रहता है, तो वह सूखता है, बाहर आ गया, जैसे वनस्पति सूखती है ना, ऐसे सूखती है,
वो सूख रहे हैं और उनके लिए चिकित्सा अच्छे अच्छे बड़े बड़े अब सेवा आयोग और ऐसे चिकित्सालय खोल देते हैं, खोल रहे हैं। इसके लिए सरकार संकल्पित है, कर रही है, वो मांग भी रही है, आपका सहयोग भी चाह रही है। तो मैंने कहा मैं क्या है, महाराज आप आशीर्वाद दे दो, मैं ऐसा सूखा आशीर्वाद नहीं देना चाहता। एयर कंडीशन से नहीं, विदाउट कंडीशन चलाओ तो काम ठीक हो जाएगा आपका। हवा के स्थान पर हवा नहीं, प्रकाश के स्थान पर सनराइज। हाँ वो राइज है कि सेट है पता नहीं। 24 घंटा लाइट चाहिए, डिलाइट को तो भूल गए सब लोग। आनंद आएगा तो कहां से आएगा। इसलिए ज्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन वो अधिकारी लोग आए हैं उस निमित्त से आप लोगों को थोड़ी बहुत डांट लो मैं। किंतु आवश्यकता पड़ जाए तो अधिकारियों को भी हम डांट सकते हैं। आपको चाहिए आपके पास जो कोई भी है उनको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। केवल जो है छड़ी के द्वारा ही अच्छे कर सकते हैं ऐसा नहीं है। हम अब उसके पीठ पर, उसके सिर पर सहलाता हुआ हाथ भी रख सकते हैं और कहते हैं देखो हमारे तुम्हारे में कोई अंदर नहीं है, तुम कैदी बन करके आ गए हो, मुझे भी जेल में रहना पड़ रहा है। मुझे सुख जो है बाहर का था वो नहीं आए, केवल कैदियों के बीच में ही वहां 2-3 बार किला नुमा बने हुए रहते हैं, उनको पार करके एक को पार करिया, हम भी गए थे उस समय एक पार करने के उपरांत पीछे का जो वो दरवाजा था उसको उन्होंने कील कर दिया, बस ताला लगा दिया, सामने का और खोल दिया। इस प्रकार 3-4 बार खुलने के उपरांत मैं गर्भालय में पहुंच गया। सब बैठे थे, हाँ बहुत अच्छा, सब लोगों को व्यवस्थित किया था। अरे वहां पर महाविद्यालयों में बार बार कहना पड़ता है और वो मेल लग के सवाल उछलते रहते, लेकिन ये कैदी लोग शांत बैठे। प्रार्थना हो गई तो हमने कहा कि भैया मैंने सुना था यहाँ पर तो केवल यातना का स्थान है, यातना ही दी जाती होगी, लेकिन यहाँ तो प्रार्थना भी हो रही है। तब हमने सोचा कि इस दिशा में यहीं से प्रारंभ कर दो, विद्यालयों की अपेक्षा से ये बहुत अच्छा काम। यहाँ पर कहना नहीं पड़ता, एकदम वह बिल्कुल ग्रहण करने के लिए वो आतुर हैं, तो हमारा काम बहुत अच्छा हो गया। और अच्छा था, होता हुआ जेलर भी यहाँ इधर आने लगे। यहाँ पर तो जेलर तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठा, लेकिन उनको अपना काम करना है, उनको तो लग गया, अब तो कैदी लोग भी कमा रहे हैं। किंतु इसके लिए काफी उन्होंने मेहनत की होगी तब वह कमाओ। और ऐसे क्यों कमाओ है कि वह एक एक महीने में अपने अपने घर तक वह वेतन भी भेजते हैं। यह सुन करके माता पिता या परिवार के लोगों को भी लग रहा कि हमारा लड़का क्या काम कर रहा है वहां पर, अब काम करने लगा। किंतु पहले तो सुनते थे कि जेलों में तो सश्रम कारावास का तो कठिन से कठिन और यातना के योग्य जिसको बोलते हैं ऐसे कार्य कराते थे, घानी में से तेल निकालो ने और भी इस प्रकार के सूत कातो और हाथ में का आदि आदि वो जलाओ वो सारे, और एक बार भोजन शाम को थोड़ा सा। अब वह ऐसे कमा रहे हैं सब सुन के, सब व्यक्ति के मुख सुन रहे हैं, 300 से तो प्रारंभ करके
ऊपर तक उनका वेतन 800 तक पहुंच रहा, बताओ। अब यह जो आवेदन दे रहे थे प्रबंध का भी लिख रहे के भी कि हमें वो 7-8 साल, यहाँ तो 12-12 हजार तक आने लगा वेतन, ध्यान रखो। हम समय हो तो बता देते, लेकिन नहीं, एक स्थान पर 25-30 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया, नहीं समझे, और ऐसे प्रशिक्षित किया गया है, ज्यादा संख्या नहीं बढ़ाए, लेकिन 30-35 ऐसे हुए हैं, वे प्रतिदिन 1-1 हजार से भी ज्यादा वेतन प्राप्त कर रहे हैं। 35 हजार तक उनका वेतन सुन करके हमें लगा कि अब आवेदन देने की कोई आवश्यकता नहीं। महिलाएं इस प्रकार काम करते हैं तो पुरुष तो क्यों नहीं काम करेंगे, वहां पर एयर कंडीशन की वहां को बात ही नहीं है, लेकिन उनकी कंडीशन सारे के सारे लाजवाब हो गए, कोई आवश्यकता नहीं, शुद्ध हवा नहीं मिल रही, इसलिए एयर कंडीशन में शुद्ध हवा को छोड़ करके वहां पर जा रहे हो तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए भारत को भारत ही रहने दीजिए, यदि नहीं रहा है तो उसको इंडिया आ गए तो उसको खदेड़ दीजिए, हाँ, और उसको एक प्रकार से जैसे भूखनन कर देते हैं, खनन करने के उपरांत अवशेष वहां पर मिल जाते हैं, मूर्तियां मिल जाती हैं, इसी प्रकार भारत का भी खनन करो, भारत में भारत ही उदय को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए प्रयास करना होगा, इसके लिए स्वाभिमान की ओर दृष्टिपात करना होगा, कर्तव्य को कर्तव्य मान करके करो, करना पड़े उसको मैं नहीं जानता, मानता नहीं है। इसलिए इस उम्र में इन प्रतिभाओं के साथ भारत को कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सारे सारे लोग बैठ करके बाबू बनना चाहते हैं तो फिर कुर्सी पर बैठ करके भी ऊबेंगे, वो उनकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। सारे सारे जितने भी कुर्सी पर बैठ करके काम करने वाले हैं, इनके रीढ़ सारे सारे टेढ़ी हो गई है। अब रीढ़ यदि टेढ़ी हो गई भैया, ये तो जीवन का रीढ़ है, मतलब उसकी वह टेढ़ी हो गई, इसका अर्थ ये वो किसी काम का नहीं है, उसको लेटाना पड़ेगा और वह दवाई दारू पर आना पड़ेगा, और औषधि खा लो, कर्तव्य कुछ नहीं किया है, इसलिए अब रोटी भी खा ही नहीं सकते हैं। क्या नहीं खा सकते हैं? कुछ भी नहीं खा सकते, आप गोली भर खा सकते हो। अरे कर्तव्य करके अपनी छाती में गोली खाना फिर भी ठीक है, और इधर उधर के काम करके यदि मान लो रुग्ण हो गए तो वो गोली खाना हम पसंद नहीं करते। महाराज वो गोली भी बहुत महंगी है, 1.5-1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए। अरे उस गोली में कोई भी अर्थ नहीं है, वह तो खाते जाओ और जीवन में जो कुछ भी दादा परदादा जो कमाए हैं उसको साफ करते जाओ, स्वयं के लिए तो कुछ मिलेगा नहीं। ज्यादा समय हो गया, थोड़े समय के बाद ही मिला था, आज कुछ विशेष बोलना भी था, कुछ सामान्य नहीं बोला, विशेष ही बोला। दो प्रकार के गोली होती है, इसको याद करेंगे, अहिंसा पर उधर। आचार्य भगवान।